ये देखो सामने पहाड़, पहाड़ पर बर्फ भी है, सामने वो देखो सामने बर्फ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हम रुके थे केलांग बस स्टैंड पर, तो यहाँ की रात तो बहुत ही अच्छी निकली। कल हम जब आए थे यहाँ पर तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था हमको और बहुत अच्छा लगा था। और बस स्टैंड, तो भाई साहब बस स्टैंड पर अपना टेंट लगाया था इस जगह, बड़ी अच्छी नाइट मिली हमारी। और इस जगह साइकिल खड़ी हो गई थी, अभी पैकिंग कर लें उसके बाद हम मिलते हैं यहाँ। तो भाई दोनों साइकिलें तैयार हो चुकी हैं रेडी, और हम रुके थे इस बस स्टैंड पर केलांग बस स्टैंड। यहाँ खूबसूरत देखो, कितना खूबसूरत नज़ारा भाई, देखो सामने का ऊँचे ऊँचे पहाड़। और सुबह बारिश हो रही थी और सुबह अब बारिश बंद हो गई अब। तो भाई साहब केलांग का बस स्टैंड वो रहा सामने, और मैं वहाँ से आ जाऊँ ऐसे 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 और यहाँ तक आ गया, वो साइकिल खड़ी है मेरी। और मुझे इस तरफ जाना है, इस तरफ। और सामने मौसम देखो कितना, इस तरफ तो ठीक है, वहाँ देखो कितना ख़राब हो रखा है। और ये बारिश आ गई है भाई, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो अभी राइडिंग कर रहे हैं हम, केलांग से निकल आए बाहर। और देखो हाथों पकड़े साइकिल, और मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी गिर गया, मौसम ख़राब हो गया है, कहीं साइकिल को कवर करते हैं उसके बाद चलते हैं। केलांग से थोड़े आगे चले आए थे हम दोनों भाई, और हमारा आनंद भाई इस तरफ है 3 किलोमीटर आगे। और हमने कहा था अपनी साइकिल कवर कर ले, तो हमने अपनी साइकिल कवर कर ली है ये रही पीछे। और ये भाई कौन है, मुझे बहुत देर से घूर रहा है तो यार बारिश थोड़ी बंद हो जाए तो निकलते हैं यहाँ पे। जिस्पा 18 किलोमीटर दूर रह गया जिस्पा, तो ठीक है यार 18 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, बस बारिश कम हो जाए तो चले जाए। भाई साइकिल चलाने में मज़ा तो आ रहा है, पर ये थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ गया है, मौसम ख़राब है। और रेंजर वाली साइकिल देखो भाई कितने आराम से चल रही है, पर अपनी वजन रखा है ना अपनी साइकिलों पर, इसलिए कोई बात नहीं। साइकिल की स्पीड भाई बहुत तेज है यार वो कैसे एक हाथ में कैमरा पकड़ के, देखो एक हाथ में पकड़े हूँ यार, थोड़ी दिक्कत तो हो रही है पर मैनेज कर रहा हूँ, साइकिल बहुत तेज है वो यार, चल रही है साइकिल पेडल अभी नहीं, तो भाई मज़ा तो आ रहा है। ओहो चल भाई, तो भाई वीडियो कैसी लगी यार, कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को करो यार। तो अभी कहीं कैंपिंग साइट मिल जाए तो उस जगह कैंपिंग कर ली जाए, और अपना आनंद तो बहुत पीछे रह गया भाई। चलो थोड़ी दूर रुकूंगा मैं जाके, साइकिल चल भाई। और ये टोपा ना मैंने लगा लिया भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं पैर की मेरी उंगली थी ना वो जैसे जाड़ों में सुखड़ जाती है ना, उस तरीके से मेरी उंगली सुखड़ गई थी। और अंदर मैंने, ये देखो सामने पहाड़, पहाड़ पर बर्फ भी है, सामने वो देखो सामने बर्फ। और यहाँ का व्यू कितना टॉप आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने साइकिल रोका था कि यहाँ के व्यू में कैप्चर कर सकूँ। पुल देखो, वाह ये निकलने की सुविधा बहुत अच्छी है, पुल बहुत अच्छा बना हुआ है। और मुझे ऐसे यहाँ से यूँ करके गोल ऐसे करके चढ़ाई चढ़नी है भाई, ऐसे करके यूँ करके और फिर यूँ करके, और फिर मुझे उस साइड निकलना है। तो
भाई ये पहाड़ चढ़ गया तो मैं आज अपनी मंजिल पहुंच जाऊंगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। कोशिश तो पूरी रहेगी मैं चढ़ जाऊं। करीब 8 से 9 किलोमीटर तो चढ़ाई है, इतना तो है सामने। सामने का व्यू देखो आप पहाड़ों का कितना सुंदर है। तो अपनी साइकिल उस तरफ पड़ी है, तिरंगा ले रहा है अपनी साइकिल पर भाई। चलते हैं यहाँ से। और सामने देखो यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत बहुत ऊंचा पहाड़ है मेरे सामने। तो भाई आज तो हम तारचा में ही रुकेंगे, तारचा से आगे नहीं जा पाएंगे। आज करीब हमने साइकिलिंग कर ली भाई, बरसात भी सारा कुछ झेल झाल के 28 से 30 किलोमीटर दूर हमने चला लिया साइकिल। तो भाई ठीक है, अभी कैंप वगैरह लगाते हैं अपने यहाँ पे और तब उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई अपनी मैगी तैयार हो गई है, अब इसे खाते हैं उसके बाद लेटते हैं हम। तो भाई टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है मैगी। मज़ा आ गया भाई। मैं पीऊँगा रख दे भाई, मज़ा आ गया मैगी में। और भाई आप लोग भी खा लो साथ में। आप लोग कैसे खा सकते हैं यार, मुझसे बहुत दूर है। चलो खाता हूँ मैं उसके बाद मिलता हूँ। भाई मैगी बना के तो हमने खा ली, एकदम मस्त तरीके की बनी, बहुत ही अच्छी। तो भाई आज की वीडियो यहाँ तक ही है, और अपना टेंट वगैरह सारा कुछ हमने लगा लिया था, और आज लेटते हैं यहाँ पर और कल मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, और थैंक यू।